नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेठी के थाना पीपरपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है, जहां पर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस को इसकी जानकारी दी और आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जो है थोड़ा जमीनी विवाद था, मतलब प्रधान की देख रेख में एक बार उसका मतलब जो है पटवारा हो गया था। आज हम लोग मिस्त्री बुला के उस पर काम शुरू कर रहे थे, तो जो है क्या कहते हैं वो लोग विपक्ष पार्टी वाले लाठी डंडे से उनके मतलब जो है घर के बगल में ही पत्थर गिरा, उससे मार पीट के फरुआ से मारे। जो है क्या कहते हैं तो मेरा पास वास जितना था उसको सब विचार के फेंक दिए। सब लोगों ने मतलब 10-12 लोग थे, महिला और लड़के बच्चे मिला के तीन चार लोग थे। जो है मतलब सबको मिला के 10-12 लोग थे। वही गलियारा की बात है, आधे आधे बंटवारा हो गया था शायद। उसके बाद में हमने सोचा कि इसको हम गड़वारी उठा लें, मिस्त्री बुलाए, यहाँ पढ़ा था, इतने में आए ये लोग, बोले कि यहाँ नहीं वहाँ। हमने बोला कि ये बताओ जहाँ गलिया जहाँ बांस गड़ा है वहीं तो है, हम आगे चल जा नहीं रहे। इसी बात से बंटवारा कौन किया था? बंटवारा उन्हीं लोग ने किए थे, प्रधान गांव सब। इसकी सूचना आपने थाने पे दिया है? नहीं, थाने तो ये बात नहीं गई, जब यही शर्त लिए थे थाने जाए। हमीरपुर के राठ नगर में हुए जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने किराए के भवन को छोड़कर अपना घर बनवाने को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बताया कि जो किराए के भवन उन लोगों ने ले रखे थे, उसका किराया न मिल पाने की वजह से भवन मालिकों ने उनसे भवन खाली करवा लिए हैं, और अगर समय से उनके खाते में किराए की राशि नहीं पहुँचती है तो कार्यकर्त्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। अधिकारी ने उसकी समस्या को गंभीरता से लेकर जल्द समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया है। हमारी समस्या है, पिछले किराए का हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग 2 साल से परेशान हैं। किराए का भवन हम लोगों का संचालित था, लेकिन अब हम लोगों को किराया नहीं मिला, इसलिए हमें किराया संचालन करने में केंद्र बड़ी परेशानी पड़ रही है। और जो नए मानक के अनुसार किराए से जो केंद्र संचालन हुए हैं, लॉट हुए हैं, उनमें सिर्फ जहाँ 63 आंगनवाड़ी हैं उधर 5 आंगनवाड़ी के किराए से भवन का लॉट हुए हैं कि केंद्र के किराए से चलाए जाए। बकाया 60 आंगनवाड़ी का करें, कहाँ जाएं अपने समय। क्या चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को पुराना किराया का भुगतान हो, जो हम मकान मालिक को दे चुके हैं वो हमारे खाते में आए हैं, और हमारे किराए से केंद्र संचालन करने के लिए स्वीकृत दी जाए भवन, ताकि हम किराए से चला सकें। शिकायत दे दी आप लोगों ने? अभी नहीं, ये हाँ देने आए हैं। बस्ती में मिनी मैराथन के मौके पर पहुंचे यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती मिनी मैराथन पूर्वांचल की पहचान के रूप में उभरा है। इस मैराथन से ये 10वां साल है और मैराथन में लड़कों और लड़कियों में उत्साह जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उससे निश्चित रूप से भारतीय खेलों का भविष्य उज्ज्वल तो दिख ही रहा है, साथ ही खेल के क्षेत्रों में विशेषकर बस्ती मंडल का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। यहाँ के बच्चे खेलों में विशेष रुचि ले रहे हैं और इस मैराथन के जरिए उनके मन में उत्साह भी बढ़ रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है। वहीं जब मंत्री से सवाल किया गया कि पिछले महीनों में कश्मीर में हमारे नौजवान शहीद हो गए और आने वाले 24 अक्टूबर को T20 मैच में इंडिया और पाकिस्तान की टीम मैदान में होगी, तो क्यों ना पाकिस्तान से मैच न खेलकर देश के प्रति एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करें, तो जवाब में मंत्री ने कहा कि दोनों अलग अलग बातें हैं और बाकी जब जरूरत पड़ती है तो सरकार निर्णय लेती है कि पाकिस्तान के साथ खेलना होगा या नहीं खेलना होगा। बस्ती मिनी मैराथन पूर्वांचल की एक विशिष्ट पहचान के रूप में उभरा है। इस मैराथन का ये 10वां वर्ष है और इस मैराथन में जिस तरह का उत्साह
लड़के और लड़कियों में दिखाई दे रहा है उससे निश्चित रूप से भारतीय खेलों का भविष्य तो उज्जवल दिख ही रहा है, बल्कि खेल के क्षेत्र में पूर्वांचल का और विशेषकर बस्ती मंडल का, बस्ती अंचल का भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है। अब यहाँ के लड़के लड़कियाँ भी खेलों में विशेष रुचि ले रहे हैं और वो इस मैराथन के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है, उनकी रुचि बढ़ रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ जो भावेश पांडे के नेतृत्व में लगातार पूर्वांचल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है, मैराथन का आयोजन कर रहा है, ये इस क्षेत्र के नौजवानों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हमीरपुर के मुख्यालय स्थित लक्ष्मीबाई तिराहे पर मामूली विवाद के चलते दो युवकों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट के दौरान महिलाओं ने भी युवक को जमकर मारा, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर मामूली विवाद को लेकर दो युवक आपस में भिड़ गए और दोनों में काफी मारपीट हुई। महिलाओं ने भी युवक पर हाथ साफ किया और ऐसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें हमीरपुर का ये पूरा मामला है जहां पर मामूली सी बात को लेकर दो युवकों में आपस में ये विवाद हो गया और मारपीट दोनों युवकों में हो गई। वहां पर मौजूद जो महिलाएं थीं उन्होंने भी युवक को जमकर पीटा। ऐसे में एक युवक बुरी तरह से इस पूरी घटना में घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। आगरा में जगदीशपुरा थाने से हुई 25 लाख की चोरी के बाद एडीजी राजीव कृष्ण ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि एडीजी राजीव कृष्ण ने लापरवाही बरतने के चलते थाना प्रभारी अनूप तिवारी, एक सब इंस्पेक्टर और तीन सिपाही और एक हेड मोरी को सस्पेंड कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला है जहां पर लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया गया है। दरअसल जगदीशपुरा थाने में 25 लाख की चोरी हुई थी, जिसके बाद एडीजी पूरी तरह से एक्शन में नजर आए और एडीजी ने लापरवाही बरतने के चलते थाना प्रभारी, एक सब इंस्पेक्टर, तीन सिपाही और एक हेड को सस्पेंड कर दिया है। ये जगदीशपुरा थाने में बीती रात में एक घटना हुई है जो कि बहुत ही गंभीर प्रकृति की है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी करीब चार दिन पहले यहाँ पर एक क्रिमिनल केस के सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी रिकवर की गई थी, करीब 4 किलो गोल्ड और 25 लाख 24 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया था। बीती रात में जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है उसमें नकब लगा करके जो ये सामान रखा हुआ था उसमें कुछ सामान चोरी गया है, करीब 25 लाख रुपए कैश चोरी गया है, जिसमें इस घटना का कैश है और प्लस एक पुरानी घटना का और करीब 1.25 लाख रुपए कैश था उसका कैश है। बाकी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, गोल्ड मौजूद है और जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ सूत्रों से इस प्रकार की जानकारी मिल रही थी कि वेपन्स चोरी गए, बट ऐसी बात नहीं है। इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कराया जा रहा है और कई टीमें लगा करके इसको जल्दी से जल्दी इसको अनावरण किया जाएगा, पैसे रिकवर किए जाएंगे, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। AIIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद के मसूरी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान गाजियाबाद में बारिश होने के बाद भी ओवैसी के संबोधन को सुनने के लिए जनता की भारी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हुई थी। तो गाजियाबाद में आज ओवैसी पहुंचे, जहाँ पर काफी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुई। बारिश के बाद भी लोग वहां से हटे नहीं, जस के तस बने रहे और ओवैसी का पूरा संबोधन सभी ने वहां पर सुना।
अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के मुख्य चौराहे पर स्थित प्राचीन काली मंदिर पर बांग्लादेश के कमीरा स्थित मंदिरों को मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से तोड़ने और हत्याओं के विरोध में भारी तादाद में हिंदूवादी और बजरंगियों ने आक्रोश प्रदर्शन और चौराहे पर जाम कर हनुमान चालीसा और राम पाठ पढ़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अलीगढ़ से आगरा और मथुरा को जाने वाली रोड पूरी तरह से प्रभावित रही। आपको बता दें मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस को बुलाने पर भी पुलिस नहीं पहुंची। ये सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं तमाम जगह ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अलीगढ़ में भी हाल ही में कई मंदिरों को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कभी भी चर्चा या अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर कोई भी हमला नहीं होता है। तो अलीगढ़ में ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें लगातार बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ने की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं उससे आक्रोशित होकर ये प्रदर्शन किया गया है और ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़कर ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है और इसीलिए मंदिर तोड़े जाने के विरोध में सासनी गेट चौराहे को जाम भी किया गया। ऐसे में भारी पुलिस बल भी वहाँ पर मौके पर तैनात रहा। आगरा में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में आज बीएसपी आगरा दक्षिण विधानसभा के जीआईसी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके जरिए बीएसपी ने आगरा में एक बड़ा विशाल शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकाद अली ने कार्यकर्ताओं में मिशन 2022 फतह करने के लिए मूल मंत्र दिए और विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीएसपी अब बूथ और सेक्टर लेवल पर संगठन को मजबूत और एक्टिव करने में जुटी हुई है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में ये पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया जहां पर जीआईसी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का ये आयोजन किया गया। कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता तो वहां पर मौजूद ही रहे लेकिन आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और आपको बता दें विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तमाम पार्टियाँ इसी तरह के सम्मेलन कर रही हैं और इसी तरह से जनता में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। आज बहुजन समाज पार्टी आगरा जनपद में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हमारी माननीय बहन जी ने जिन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है श्री रवि भारद्वाज जी आगरा दक्षिण विधानसभा से उनके नाम की घोषणा की गई है। देखिए आज का ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारियों और सम्मानित समर्थकों के कैडर कैंप का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर दक्षिण विधानसभा से रवि भारद्वाज जी यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी नियुक्त किए जाए। देखिए जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से जो समाज जुड़ता है आज बहुजन समाज पार्टी आगरा जनपद में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हमारी माननीय बहन जी ने जिन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है श्री रवि भारद्वाज जी आगरा दक्षिण विधानसभा से उनके नाम की घोषणा की गई है। देखिए आज का ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारियों और सम्मानित समर्थकों के कैडर कैंप का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर दक्षिण विधानसभा से
रवि भारद्वाज जी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी नियुक्त किए जाए। देखिए जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से जो समाज जुड़ता है बहुजन समाज पार्टी उसको उसकी ही हिस्सेदारी देती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी ताल ठोक रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में अखिलेश यादव का प्रोग्राम था, जबकि मेरठ के सरदना इलाके में दबतवा में लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की बड़ी रैली प्रस्तावित है। लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी दस्तक का एहसास करा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस आजाद समाज पार्टी की जो हाल ही में भीम आर्मी से निकलकर एक नेशनल पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद हैं और आज चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ के हापुड़ रोड स्थित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनके लोग आज बारिश के बीच भी उनको सुनने के लिए आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, अब समझ लीजिए किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभा सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना कहने से काम नहीं चलता, उसको दिखाना भी पड़ता है। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आज पहुंचे थे जहां पर हापुड़ रोड स्थित मेरठ में उन्होंने जनता को संबोधित भी किया, और ऐसे में उन्होंने जनता को संबोधित तो किया लेकिन मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि आज पूरे दिन से सुबह से ही बारिश का माहौल था, तो इस बीच उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की कि कितनी भारी संख्या में लोग बारिश की परवाह किए बिना यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुझे सुनने के लिए पहुँचे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग हमारी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरठ क्रांति धरा है और यहाँ से बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। आलम क्या है आपके सामने, मुझे तो नहीं लगता कि इस ग्राउंड में कहीं जगह है, और लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ पूरा जाम है, सैकड़ों की तादाद में बसें बाहर खड़ी हुई हैं, बारिश है, लेकिन नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का जोश देखने लायक है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, हम लोग करें। क्या परिवर्तन विकल्प आप बनेंगे? हम अब जो सरकार है उसको हटाने के लिए विकल्प बन रहे हैं। जिनकी सरकार है नहीं उनके बारे में क्या बात करें। तो आजाद समाज पार्टी खुद में विकल्प है, इसको नजरअंदाज कर ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता। चुनाव दूर है, चुनाव डिक्लेयर होगा सब चीजें बताए जाएंगे। बदलाव ये लाएंगे, जो जंगल आज उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों को गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं, तमाम तरह से हॉस्पिटलों में ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन की कमी को जो हमने देखा, एजुकेशन के सिस्टम खत्म हो गए हैं, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उसका अंत जरूरी है, और आजाद समाज पार्टी उसके लिए विकल्प है। आप जहां तक देखेंगे, जहां तक मैं समझता हूं, जो कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह ना करे जिस आंदोलन के लिए, वो आंदोलन कोई नहीं रोक सकता। जैसे आजादी की लड़ाई यहाँ से धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के नेतृत्व में और दीनाभाना वाल्मीकि जी के नेतृत्व में चली थी, ऐसे एक और बहुजन समाज की लड़ाई यहाँ चलेगी, और आप देखना उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत बनेगी। हरदोई के पाली थाना इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टहलने निकली दो महिलाओं को कुचल दिया, वहीं दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें घटना से परिसरों में कोहराम मच गया। घटना के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है जहाँ पर दो महिलाएं मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी, लेकिन टैंकर ने उन दोनों ही महिलाओं को कुचल दिया, जिससे कि मौके पर ही उन दोनों महिलाओं की मौत हो गई है।
हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर तस्वीर देख रहे हैं, इसी टैंकर ने दोनों महिलाओं को मॉर्निंग वॉक के दौरान कुचल दिया, जिसके बाद परिजनों में तो कोहराम मच गया। लेकिन ऐसे में टैंकर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला था, अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है और ऐसे में टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला किस तरह से हुआ, दरअसल दो महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उसी दौरान 20 सड़क पर रास्ते में टैंकर ने उन दोनों ही महिलाओं को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की जान चली गई। ऐसे में इकट्ठा भीड़ हो गई वहां पर, जिसने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरी घटना के बाद टैंकर चालक मौके से भाग गया, फरार हो गया, और ऐसे में अब पुलिस को इसकी सूचना दी गई है तो पुलिस ने टैंकर को तो अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही फरार चालक की तलाश भी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये पाली थाना क्षेत्र में सवायतपुर चौकी में एक गांव पड़ता है गौराखेड़ा, वहाँ पे दो महिलाएं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। 5:30 और 6:45 बजे के टाइम रहा होगा, पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी और दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। टैंकर मौके से पकड़ा गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। At GLA University, we make the way.